शूद्र पशुनारी ये सभी सकल तारणा के अधिकारी। इसमें क्या गलत कह दिया आपने, हमारी बुराई क्यों लिखी है? एक बाबा वीडियो डाल रहा है यूट्यूब पर, बहुत वायरल हो गई है। कह रहा है कि अगर स्वामी पिशाच मिल जाए तो उसका सर काट देंगे। सर काटना है तो सीमा पर जाइए, बॉर्डर पर जाइए, बाहर से दुश्मन आते हैं सर उनका काटिए ना। आप हमारे बड़े बुजुर्गों का सर काट देंगे और हम क्या पागल है जो देखते रहेंगे? हम कोई पागल थोड़ी नहीं है, या ये नहीं है कि हम खाना नहीं खाते? ये शिक्षा, ये विद्या, ये मंदिर बता किसकी बदौलत मिला है? ये सवाल लेकर इतना खूबसूरत गायन इस बच्ची ने प्रस्तुत किया। महज 12 साल की उम्र की ये अंतरा हमारे साथ मौजूद है। बेटा ये जो गाना है, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगी आपको किसने सिखाया? ये मेरे माता पिता ने सिखाया। आपके माता पिता ने सिखाया? और ये जो गाने के बोल हैं, ये भी मम्मी पापा ने सिखाया। मम्मी पापा ने सिखाया। तो जब आपने इस गाने को सुना और आपने जब सीखा तो आपको कैसा महसूस हुआ? मुझे यह लगा कि बाबा साहब ने इतनी कठिन संघर्ष करके हमें इतना कुछ दे के गए। इतना कुछ दे कर गए। फिर अपने ही मुंह से कुछ पंक्तियां सुना दो। हाँ बिल्कुल। ये पैसा, ये विद्या, ये मंदिर, ये पैसा, ये विद्या, ये मंदिर, बता किसकी बदौलत मिला है? ये पैसा, ये विद्या, ये मंदिर, बता किसकी बदौलत मिला है? और देखिए बाबा साहब हमें क्या अधिकार दिला कर गए हैं। कभी शिक्षा पढ़ी ना पढ़ाई, रहा बंद हमेशा ही द्वारा। पहले हम लोग ये नहीं जानते थे कि शिक्षा क्या है, कैसे, क्या चीज है और किस तरह से है। और आज कभी शिक्षा पढ़ी ना पढ़ाई, रहा बंद हमेशा ही द्वारा। और आज आज औरों को पढ़ना पढ़ाना, आज बहुजन को आराम करना, बता किसकी बदौलत मिला है? ये पैसा, ये विद्या, ये मंदिर, बता किसकी बदौलत मिला है? अंदर आपको बड़े होके क्या बनना है? मुझे बड़े होके सिंगर ही बनना है। सिंगर ही बनना है। तो सबसे ज्यादा गाने आप किस प्रकार के निकालेंगे? इसी तरीके से बहुजन समाज को मोटिवेट करने वाले? हाँ बिल्कुल। और आपका गीत आपने ही लिखा है कि माता पिता ने लिखा है? ये मेरे माता पिता ने लिखा है। वो भी गाते हैं? हाँ। तो कुछ और इस गीत के अलावा कुछ और आपने तैयार किया है? हाँ सुनाओ। एक शिक्षा के ऊपर गीत है। चाहे कितनी हो मजबूरी, है शिक्षा बहुत जरूरी, मिलकर संकल्प उठाओ बेटा, हो चाहे हो बेटी, मेहनत कर खूब पढ़ाओ पढ़ाओ, चाहे कितनी हो मजबूरी, है शिक्षा बहुत जरूरी, चाहे कितनी हो मजबूरी, है शिक्षा बहुत जरूरी। और शिक्षा पहला मूल मंत्र है, शिक्षा पहला मूल मंत्र, बाबा ने हमें बताया, उसका हुआ विकास जगत में, जिसने भी अपनाया अपनाया अपनाया। शिक्षा पूरी करके बहनों, शिक्षा पूरी करके भैया, मंगल दीप जलाओ जलाओ, चाहे कितनी हो मजबूरी, है शिक्षा बहुत जरूरी। देखिए शिक्षा बह सैनी का दूध है, जो भी पिएगा वही दाड़ेगा। और शिक्षा ऐसी चाबी है जिसके द्वारा बंद भाग के दरवाजे भी खोले जा सकते हैं, चाहे कितनी हो मजबूरी, है शिक्षा बहुत जरूरी, है शिक्षा बहुत जरूरी। बहुत ही खूबसूरती से इस बच्ची ने हमें बताया कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना ज्यादा पिएगा उतना ज्यादा दहाड़ेगा। और यही बात हम हमेशा से सुनते आए हैं कि शिक्षा बेहद जरूरी है। बाबा साहब वो इकलौते इंसान थे जिसने हर इंसान को, एक महिला को, अगर मैं और ये बच्ची
बच्ची यहाँ खड़ी है तो हर उस इंसान की ही आवाज़ नहीं थे, वो सिर्फ बहुजनों की आवाज़ नहीं थे, वो हर उस इंसान की आवाज़ थे, हर उस महिला की आवाज़ थे जो अपने लिए बात करने के लिए सक्षम नहीं थी। और इसीलिए शिक्षा बहुत ज़रूरी था जिसका अधिकार हमें बाबा साहेब ने दिलाया। और बेहद खूबसूरती से इस बच्ची ने अपने गीत के जरिए बता दिया कि समाज में पहले क्या था और बाबा साहब के हक अधिकार दिलाने के बाद क्या बदलाव हुआ। और कोई संदेश देना चाहते हो आप? अभी मैं आपको थोड़ी बताऊंगी, फिर आप में से उस टाइप के क्वेश्चन पूछना। अच्छा, किस टाइप के क्वेश्चन? जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने कुछ रामायण में चौपाई लिखी थी, तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने अपने मुखार बिंद से कही थी, तो ब्राह्मणों को बहुत बुरी लग गई। बुरी लगने वाली क्या बात है, और एक बाबा वीडियो डाल रहा है यूट्यूब पर, बहुत वायरल हो गई है। कह रहा है कि अगर स्वामी प्रसाद मिल जाए तो उसका सर काट देंगे। सर काटना है तो सीमा पर जाइए, बॉर्डर पर जाइए, वहां से दुश्मन आते हैं, सर उनका काटिए ना। विरोध आपका जो जो कर रहे हैं सबका काटिए। विरोध तो हम पढ़ने लिखने वाले बच्चे भी कर रहे हैं, और सर काटना है तो जब मोहब्बत गजनी ने आकर हमारे भारत देश पर कब्जा किया था, हमारा सारा धन लूट कर चला गया, सोना चांदी हीरा मोती सब कुछ लूट कर चला गया, तब तुम्हारी तलवार कहाँ चली गई थी? अभी भी जब हमारे सीमा पर सैनिक आते, बाहर से दुश्मन आते हैं तो मारे तो हमारे सैनिक भाई जाते हैं, वहाँ जाओ ना, वहाँ तलवार चलाओ तो हमें भी अच्छा लगेगा। या जो आपके नीचे आपसे दब कर चल रहे हैं, आपका सम्मान कर रहे हैं, आप उन्हें ही और दबाना चाह रहे हैं, क्या फायदा निकलता है इससे? आप आपस में अपने भारत को फैला रहे हैं। पहली बात, बुरी लगने वाली कोई बात नहीं थी। और मैं आपको चौपाई भी बताऊंगी कि क्या चौपाई स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने अपने मुखारविंद से कह दी। ढोल गवार शूद्र पशु नारी, यह सभी सकल तारणा के अधिकारी। इसमें क्या गलत कह दिया आपने? हमारी बुराई क्यों लिखी है? रामायण तो आपने ही लिखी है ना, तो अगर कुछ बात लिख दी और हम लोगों ने अपने मुखार बिंद से कह दी तो आपको बहुत बुरी लग गई। सर काटना है, अगर सर काटोगे तो फिर जो आपका सब विरोध कर रहे हैं, हम पढ़ने लिखने वाले बच्चे भी हैं, आइए हमारा विरोध काटिए, हमारा सर काटिए ना। आप हमारे बड़े बुजुर्गों का सर काट देंगे और हम क्या पागल है जो देखते रहेंगे? हम कोई पागल थोड़ी नहीं है, या ये नहीं है कि हम खाना नहीं खाते। हम भी खाना खाते हैं, और जब हम आपके नीचे तब झुके जब आप हमें कोई अच्छी शिक्षा में हमें आगे बढ़ाएं, अच्छी नौकरियां दे, कुछ भी हमारे लिए अच्छा काम करें। ये तो है नहीं कि आप हमें खाने के लिए खाना लेके जाते हैं जो कि हम आपके नीचे रहे। और देखिए, कहते हैं कि पंडित ब्राह्मण राम को मानते हैं, वो किसी को नहीं मानते, उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपना स्वार्थ देखना है, उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं है। अगर आपने उनसे राम राम की तो वो आप वापिस आपसे राम नहीं कहेंगे, सीधा कहेंगे हमारे चरण लागिए। क्यों लागे हम आपके चरण? हमारे लिए क्या कर दिया जो हम आपके चरण लागे? हमारे लिए तो कुछ नहीं किया। देखिए, जितनी बड़ी बड़ी पोस्टों पर होंगे, स्कूलों में टीचर देखिए, बैंक में मैनेजर देखिए, हर ऊंची पोस्ट पर आपको वही पंडित शर्मा वर्मा दुबे चतुर्वेदी सब यही मिलेंगे, कोई हमारे लोग नहीं मिलेंगे। ज्यादा ज्यादा चौकीदार, चौकीदार से एक दो पदवी और ऊंचे मिल सकते हैं, वरना कोई ऊंचे नहीं मिलेंगे। बात खत्म होना चाहिए अंतरा। बिल्कुल हाँ, सभी को बराबरी मिलनी चाहिए। हाँ हाँ, चलो शुक्रिया, ठीक।